समारोह दी जिस विच कैबिनेट मंत्री तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा भटकते ही रह गए। दरअसल मोहाली च जंगलात विभाग की इमारत की ताजपोशी का प्रोग्राम रखा गया सी, पर इस दौरान बाजवा इमारत की कदे किसे ता कदे किसे मंजिल से भटकते रहे। उन्होंने पता ही नहीं लग रहा कि किस मंजिल से जाना है। जो न्यूज 18 ने उन्होंने तो सवाल पूछा था, उन्होंने परेशानी भी साफ झलकी। बाजवा ने साफ तौर पर कहा कि कोई मैनेजमेंट नहीं है, फिर कहते हैं कि चेयरमैन ही दे दो, अपना कोई आदमी ही गेट से खड़ा कर देंगे। दस दिए कि इस प्रोग्राम सुनील जाखड़ और सुखजिंदर रंधावा भी पहुंचे हुए थे, प्रोग्राम शामिल सन। तो दूजे पास तृप्त रजिंदर बाजवा भटकते ही रह गए, जिस तो बाद बाजवा की नाराजगी बाजवा की परेशानी भी साफ झलकी। तो उन्होंने कहा कि कोई मैनेजमेंट नहीं है। मिनिस्टर साहब भी घूमे जा रहे, आधा घंटा हो गया असीं भी घूमे जा रहे। एक मैनेजमेंट तो होनी चाहिए सर, ठीक गल, एक बंदा का सुर होना चाहिए। मैनेजमेंट तो होनी चाहिए सर, ठीक गल, एक बंदा का सुर होना चाहिए। मनोज राठी इस खबर से मेरे सहयोगी फोनलाइन से जुड़ गए हैं। मनोज, सरकारी समागमों के अक्सर असं आम लोग तो खज्जल खुआर होंगे देखे ने, पर इस बार तो तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा ही इस खज्जल खुआरी का सामना करना पाया उन्होंने, फिलहाल की जानकारी है? हो बिल्कुल अमृत, ये तस्वीर देखिया कि जो कैबिनेट मिनिस्टर ने उसे पहुंचे ने, उन्होंने पता थी कि जो क्रिश्चियन वेलफेयर बोर्ड है पंजाब का, वो जो चेयरमैन अज अपॉइंट किया। लेकिन सब तो बड़ी गल है कि वो भी करीब आधे तो भी आधे घंटे तो भी ज्यादा उन्होंने पता ही नहीं कि केड़ी बिल्डिंग जाना है। आखिर से उन्होंने ये गल कह भी दी कि एक परसन जोड़ा है वो वेलकम वास्ते होना चाहिए, तो उन्होंने मिसमैनेजमेंट है। फिर कहें कि सू चेयरमैनशिप दो, एक बड़ी गल उन्होंने अपने मुंह कही कि चेयरमैनशिप, फिर कहते कि सू चेयरमैनशिप दो, क्योंकि वो करीब आधे तो पौना सत फ्लोर ने उस बिल्डिंग च, वन विभाग हैगा उसे सत फ्लोर ने, सत्ता फ्लोर च, कद सैवन फ्लोर, कद फिफ्थ फ्लोर, कद सैकेंड फ्लोर वो लभदे रहे। लेकिन लास्ट से उन्होंने गुस्सा जोड़ा है, हालांकि मीडिया सामने से इस करके वो ज्यादा उन्होंने शो ऑफ नहीं किया, लेकिन सब तो बड़ी गल है कि दो मिनट वास्ते वो आए तो दो मिनट गल करके वो उतो है गलबात करके दो मिनट से निकल गए। हालांकि वो तो जरा उन्होंने अपॉइंट किया जाखड़ साहब उत्ते थे, रंधावा जी उत्ते थी, लेकिन उन्हें वो रही रुके, बाजवा साहब सिर्फ दो मिनट वास्ते आए तो उधर चल गए, क्योंकि आधे घंटे तो भी ज्यादा उन्होंने खज्जल होना पाया। तो उन्होंने न्यूज 18 नाल भी गल करते हुए कहा कि जी मिसमैनेजमेंट है जी गल है वो सामने एक गलत है कि जी जरा कोई भी परसन हैगा एक कंसर्न परसन अपॉइंट करना चाहिए कि वो गेट से आके ना जे मंत्री आ रहे हैं होर किसी अपॉइंट बुलाया वेलकम किया, तो वह वेलकम जोड़ा है वो करना जरूरी है कि फ्लोर से जाना है, किड़े फ्लोर से नहीं जाना, किड़े फ्लोर से फंक्शन है, किड़े फ्लोर से कार्यक्रम है, ये सारी चीजा जी है इतने मिसमैनेजमेंट है। जोड़ा उन्हों का जोड़ा गुस्सा है वो भी साफ तौर पर जोड़ा है देखने को मिला, तो दो मिनट उत्थे रहे, वो फंक्शन उत्थे जो अपॉइंट किया उधर भी नहीं हो गए, सिर्फ वो सिर्फ उन्होंने मिलकर दो मिनट ला के उसको वापस चले गए। तो कहते ना कि वो काफी गुस्से से भी थे, लेकिन मीडिया उत्थे खड़ी थी, न्यूज 18 टीम की गल उन्होंने की, खुद न्यूज 18 की टीम उन्होंने नाल कदे लिफ्ट की कदे पौड़िया से, इस तरह की जी आधे घंटे तो भी ज्यादा यह सारी कश्मकश चलती रही। तो आखिर से फाइनली वो उत्थे पहुंचे, जरा सलामत मसीह जरा अपॉइंट किया वो भी काफी गुस्से से उन्होंने गल की कि इस तरह की मिसमैनेजमेंट है, तुम्हें पहला पता होना चाहिए कि मनोज वाकई तृप्त रजिंदर बाजवा का उत्थे ज्यादा समा रुके बिना चले जाना है। साफ तौर से दसदा है कि जो परेशानी का सबब उधर बनिया उन्होंने लिए उस दे काफी नाराज ने। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज फिलहाल सारी जानकारी दे। क्रिश्चियन वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन के ताजपोशी समारोह के तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा खज्जल खुआर होंदे नजर आए, इधर उधर भटकते रह गए क्योंकि पता ही नहीं सी कि समागम कित्थे रखा गया है। तो हुण गल करदे आं फोन टैपिंग दे मामले दी, जिहड़ा लगातार
ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਟੈਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਫੋਨ ਟੈਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਖੁਦ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਨੇ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ ਟੈਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਟੈਪ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਟੈਪ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ। ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਨੇ ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੀ ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਟੈਪ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਟੈਪ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਵੀ ਟੈਪ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਿੱਜਤਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਪੱਖੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਤਾਂ ਟੈਪ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਟੈਪ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਨੇ ਵੀ ਫੋਨ ਦੇ ਟੈਪਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਾਕੀ ਦੇ